हमारी बच्चियां जाएं तो बेखौफ होकर जाएं, क्यों हम ऐसे राजस्थान की कल्पना नहीं कर। मुझे लगता है कि हमें बदलने की जरूरत है, हमें अमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है और उसके लिए सबको पहले बताया। लेकिन मैंने हालात है वो तो बिल्कुल उल्टा, ना तो गार्डन में ना क्या बताऊं, मैं तो खुद ही सेफ नहीं हूं और मेरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो खुद के लट बन रहे हैं सारे। आप 20-20 जगह मेरी गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं जबकि मैं पुलिस कस्टडी में गई, पुलिस सुरक्षा में गई, मैंने एसपी से पुलिस सुरक्षा ली है, मेरे आगे दो पीछे दो गाड़ी चलती है, मेरे सामने सब इंस्पेक्टर चलता है, दो दिन पहले मुझे धमकी मिलती है, पांच थाने वहां पर तैनात हो गए, एडिशनल एसपी वहां तैनात है, सीओ तैनात है, चार इंस्पेक्टर आपके थाने तैनात है, इतना आपने किसी पुलिस फोर्स को अलर्ट नहीं किया, आपको पता था वहां आशंका थी। और मैंने जब वहां पे हुआ उससे पहले अपनी गाड़ी 3 किलोमीटर पे रोक के एसपी से बात करी कि मेरे पे हमला होगा, बोले नहीं साहब हमारा पर्याप्त व्यवस्था है, आपके साथ सिक्योरिटी और हमारे पास पर्याप्त बल है, उसके बाद सर आप मेरे पे हमला हो रहा था और आप अरेस्ट नहीं कर पाते। आईजी बताया क्यों नहीं कर रहे अरेस्ट, मैं भी महिला हूँ लेकिन ठीक है, मैं सक्षम हूँ कि हमलों के बाद चुनौतियों को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन बात उनकी है जिनकी आवाज बनने के लिए हम सदन में आए, उस जनता की आवाज बनने के लिए आए, उसकी उन बेजुबानों की जिसको विश्वास का मत देकर हमें सदन के अंदर भेजते हैं कि हमारी आवाज आप उठाएंगे।